नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अभी मैं बाहर घूमने निकला हूँ। अभी सर्दियों के दिन हैं तो सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, क्योंकि सर्दियों में 5:30 बजे ही सूरज अस्त हो जाता है और गर्मियों में तो 7:30 बजे अस्त होता है। तो सर्दियों में 2 घंटे पहले सूरज अस्त होता है, इसके कारण दिन छोटे लगते हैं, और जबकि गर्मियों में 2 घंटे बाद में सूरज अस्त होता है, इसके कारण दिन थोड़े बड़े होते हैं। तो आज मैं आपको चींटियां दिखाता हूँ कि हमारे यहाँ पर बहुत सारी चींटियां हैं, तो आप पहले चींटियों को देखिए। तो देखिए, ये यहाँ पर इतनी सारी चींटियां हैं। ये यहाँ पेड़ के पास में भी बहुत सारी चींटियां हैं। ये यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी कितनी सारी चींटियां हैं। ये यहाँ पर बड़ी वाली चींटियां हैं और इस लकड़ी के नीचे इन चींटियों का घर बना है। यहाँ पर भी इस पत्थर के नीचे चींटियों का घर बना हुआ है और ये चींटियां चारों तरफ फैली हुई हैं। तो आज मैं इन चींटियों को खाना खिलाऊंगा, तो आप देखिए। तो ये चींटियों का खाना है, इसमें दरदरी पिसी हुई बाजरी है और काले तिल है और कुछ शक्कर है। तो ये चींटियों का खाना है। तो यहाँ पर मैं चींटियों को खाना डाल रहा हूँ। चींटियों के खाने को चारों तरफ से फैला दिया है ताकि सभी चींटियों को खाना मिल सके। यहाँ पर भी मैं दूसरी चींटियों को खाना दे रहा हूँ, क्योंकि चींटियां यहाँ पर बहुत सारी है तो सभी चींटियों को अलग अलग जगह खाना देना पड़ता है। तो यहाँ पर भी चींटियों को खाना डाल रहा हूँ। तो यहाँ से आपको नज़दीक से दिखा रहा हूँ, ये चींटियों का घर है और यहाँ पर मैं चींटियों को खाना डाल रहा हूँ। यहाँ पर पेड़ के तने के नीचे चींटियों का घर है, तो यहाँ पर भी चींटियों को खाना डाल रहा हूँ। यहाँ पर भी काफ़ी सारी चींटियाँ हैं। ये बड़ी वाली चींटियाँ हैं और यहाँ पर भी चींटी को खाना खिला रहा हूँ। और यहाँ पर चींटियाँ काफ़ी सारी हैं और चारों तरफ फैली हुई हैं, तो इनको चारों तरफ से खाना डाल रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर चींटियों ने पत्थर के नीचे अपना घर बना रखा है, 2-3 पत्थरों के नीचे घर बना रखा है। तो यहाँ पर भी चींटियों को खाना डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं सभी चींटियों को अलग अलग जगह पर खाना डाल रहा हूँ ताकि सभी चींटियों को खाना मिल सके। तो यहाँ पर चींटियों ने दीवार के नीचे अपना घर बना रखा है और यहाँ पर भी मैं चींटियों को खाना डाल रहा हूँ। और यहाँ पर चींटियाँ खाना को अपने मुंह में डालकर अपने घर में ले जा रही हैं। तो दोस्तों, आज मैंने बहुत सारी चींटियों को खाना खिला दिया है। आपको भी चींटियों को खाना खिलाना चाहिए, क्योंकि जब हम पैदल चलते हैं तो हमारे पैर के नीचे आकर रोज़ कई सारी चींटियाँ मर जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है। इसलिए हमें चींटियों को खाना तो ज़रूर खिलाना चाहिए। और आप सभी जानते ही हैं कि चींटियाँ एक छोटा सा सामाजिक प्राणी भी होता है। और दोस्तों, आज मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अभी तक मैंने अपने सब्सक्राइब को हाइड करके रखा था, लेकिन इस वीडियो के बाद आप मेरे सब्सक्राइब को देख सकेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे कितने कम सब्सक्राइब हैं। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और कमेंट करके भी बताएं ताकि मुझे ये पता लग सके किसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, ताकि उसको वापस मैं रिटर्न कर सकूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में अनसब्सक्राइब नहीं करें और मैं भी आपको कभी अनसब्सक्राइब नहीं करूंगा। आप मेरे वीडियो को देखिए, मेरे सिर्फ एक दो वीडियो को छोड़कर सभी वीडियो में 100 से कम व्यू हैं, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते और गुड बाय।